नहीं दे रहा पुख्ता जानकारी। जगदलपुर में एक पेड़ से लटकती मिली एक युवक की लाश, मौके से सुसाइड नोट भी किया गया बरामद। परिजनों ने लगाया आरोप, कहा हत्या कर लटकाई गई है लाश। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। प्रदेश के गृह धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है जांच एजेंसी सीबीआई। प्रदेश में सीबीआई के घुसने पर पहले ही लगा दिया गया है प्रतिबंध। प्रदेश शासन में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री और शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल रविवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। शनिवार की रात वह कोरबा पहुंचेंगे। इसके बाद वह रविवार को पर्यटन स्थल झोराघाट में पूर्वांचल संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मंत्री श्री जयसिंह अलग अलग जगहों पर लोगों से सौजन्य भेंट भी करेंगे। बस्तर में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही पड़ोसी राज्य ओडिशा से संग्रहण केंद्रों में धान खपाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धान खरीदी खत्म होने का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिचौलिया बड़ी मात्रा में इन खरीदी केंद्रों में धान खपाने की कोशिश में जुट गए हैं। निगरानी समिति के अध्यक्ष व खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि धान खरीदी के शुरू होने के साथ ही अब तक इस तरह के 22 प्रकरण सामने आ चुके हैं और इस पर कार्रवाई की जा रही है। दो खरीदी प्रभारी की संलिप्तता को देखते हुए उनका तबादला भी कर दिया गया है और लगातार निगरानी समिति द्वारा खरीदी केंद्रों में नजर भी रखी जा रही है। गौरतलब है कि कार्रवाई के नाम पर निगरानी टीम द्वारा खानापूर्ति कर इन बिचौलियों और खरीदी प्रभारियों को बड़े ही आसानी से छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वह हर बार खरीदी केंद्रों में इस तरह के धांधली कर राज्य सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। 2 जनवरी 2019 तक के धान खरीदी के संबंध में जो अपनी टीम बनी है, तो अपना खाद्य विभाग और मंडी के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से 22 प्रकरण बने हैं, जिसमें 543 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। जो इनका निराकरण जो है सभी पेंडिंग है, इनका निराकरण धान खरीदी समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा, सभी पेंडिंग है। ये तो लगभग अपना क्षेत्र जो है बस्तर है और ये जगदलपुर ब्लॉक बकावन ब्लॉक, ये तीनों तरफ के ही ज़्यादा हैं, बाकी तरफ के तो छुटपुट है। लेम्स मैनेजरों के ऊपर जैसे कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उन पर भी जांच की जाती है। कहीं कई जगह बदले भी गए हैं खरीदी प्रभारी, है ना, जहाँ भी मतलब उस टाइप से बातें आई उनकी संलिप्तता। दरअसल सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ ही आए दिन बिचौलियों द्वारा उड़ीसा से धान खपाने की शिकायत सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा राज्य में किसानों से काफी कम दामों पर धान की खरीदी किए जाने से बड़ी संख्या में किसान अपना धान बिचौलियों को बेच देते हैं और बिचौलियों द्वारा छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्र प्रभारियों के साथ मिलकर इन धान के खेप को तिकड़म कर खपाया जाता है, जिससे कि सरकार को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि इस धांधली को रोकने हर बार जिला कलेक्टर द्वारा निगरानी टीम को गठित की जाती है और केंद्रों में नगर सैनिक बल को भी तैनात किया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में इन बिचौलियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन बड़ी मात्रा में धान खपाने के मामले को ये अंजाम देते हैं। INN24 के लिए बस्तर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। कोरबा में बढ़ रहे लूटपाट और दूसरे गंभीर आपराधिक वारदात की रोकथाम के लिए नए एसपी जेएस मीणा ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने सभी थानों के टीआई और दूसरे अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने इलाके के बैंक, ज्वेलरी शॉप्स और एटीएम सेंटर की सघन जांच करें। उन्होंने कहा है कि इन जगहों पर अगर कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो उनसे कड़ी पूछताछ भी की जाए। शुक्रवार की शाम पुलिस की एक टीम ने शहर के बैंक, एटीएम व ज्वेलरी दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। चेकिंग टीम में एएसआई, एक प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षक शामिल थे। इस तरह 2 अलग-अलग टीम ने निहारिका व कोरबा इलाके में सघन जांच पड़ताल की। ट्रांसपोर्ट नगर के एसबीआई की प्रमुख शाखा, जिला सहकारी बैंक एसबीआई मानिकपुर व एसएस प्लाजा स्थित एटीएम, सोनालिया ज्वेलर्स के अलावा निहारिका क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा, कोसाबाड़े स्थित एसबीआई एटीएम, पंजाब नेशनल बैंक व इंडियन ओवरसीज बैंक का निरीक्षण किया गया। गुरुवार को सादी वर्दी में 2 टीम अलग अलग स्थलों के बैंक व एटीएम की चेकिंग की थी। इसके तारतम्य में बैंक का ये है कि जो है बैंक, एटीएम और ज्वेलरी
इन दुकानों में कुछ ठगी या इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार कोतवाली और सीएसबी से एक टीम और रामपुर और मानिकपुर से एक टीम, ऐसा दो टीम बना करके सभी बैंकों एटीएम और इसमें कल दबिश दिया गया, दबिश दे करके जांच की गई और इस तरह से जांच चेक किया गया। इसके पूर्व तीन चार दिन पहले सिविल में सादे वर्दी में पुलिस जो है लगाई गई थी और वो लोग भी वहीं सघन चेकिंग जांच किए थे, वो अभी तक किसी प्रकार संदिग्ध नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन ये जांच लगातार जारी रहेगी और कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया है। पुलिस ने बैंक अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही हर बैंक व एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा गया है। पुलिस का मकसद है कि इन इलाकों में उठाईगिरी और ठगी करने वालों पर रोक लगाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ की नई सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने के बाद जिले में अन्य राज्यों से भी धान की खेप पहुंच रही है। कोचिया और बिजौलियों का गैंग भी सक्रिय हो चुके हैं। धान का अधिक मूल्य पाने के लिए सरकारी संग्रहण केंद्रों में नए नए तरीकों से धान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर किया है। हालांकि 3 एकड़ से कम छोटे किसानों के लिए इसमें थोड़ी छूट है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों के धान खरीदी के रिकॉर्ड भी चेक करने को कहा गया है। अगर धान की मात्रा कुछ अप्रत्याशित रूप से अधिक नजर आती है तो वह भी संदेह के दायरे में होगा। इसके साथ ही जो किसान बाजार से धान लाकर उसे अपने खेत में खपाने का प्रयास कर रहा है और अवैध परिवहन कर रहा हो, इस पर भी नजर बनाए रखने की बात कही गई है। एसडीएम भागवत जायसवाल द्वारा जारी आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि यह सारी जांच नोडल अधिकारी के अधीनस्थ होगी, जिसमें हर 2 दिन में हल्का पटवारी अपने तहसीलदार या खाद्य निरीक्षक को सूचित करेगा। धान खरीदी के समय ग्राम कोटवार को भी उपस्थित होकर नोडल अधिकारी की मदद करनी होगी। जिस तरीके से अभी पिछले सालों की तुलना में धान खरीदी की जो अनुपात है वो बढ़ रही थी, ऐसे समय में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उड़ीसा, चूँकि सीमावर्ती हमारा राज्य है, वहाँ से धान आ रही है या कोचिया लोग या बिचौलिया लोग उसमें अपना लाभ कमा रहे हैं और शासन को क्षति पहुँचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो डबल 2 टोकन कटाने के बाद जो 3रे 4थे 5वें टोकन के लिए किसान आ रहे हैं उनका पुनर्सत्यापित करने के पश्चात ही हम धान खरीदी का प्रावधान दिए। इसमें छोटे किसान जो 3 एकड़ तक है उनको इसमें छूट दी गई, तो कुल मिलाकर इसमें शासन को जो राजस्व की क्षति होने वाली थी हम उसमें रोकने के लिए एक ब्रीफली जांच का एक प्रावधान रखे हैं। नगर निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 6 आशीर्वादपुरम कॉलोनी में 1 साल पहले स्थित एसएलआरएम सेंटर का उद्घाटन तत्कालीन विधायक रोशन लाल ने किया था। नगर निगम के इस वार्ड में अंबिकापुर की तर्ज पर एसएलआरएम सेंटर का निर्माण तो हो गया, लेकिन रायगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना धरा का धरा रह गया। ना ही यहाँ पर कंपोस्टिंग की जा रही है और ना ही इसमें कार्यरत 20 महिलाओं को यूनिफॉर्म मिल पा रहा है। वार्ड की गंदगी इकट्ठी कर मोहल्ले को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इन महिलाओं को ना तो निगम द्वारा यूनिफॉर्म मिल रहे हैं और ना ही दस्ताने। बिना मास्क लगाए ये महिलाएं नित्य प्रतिदिन अपने काम को बेहतर तरीके से करती आ रही हैं। मैडम कितने स्टाफ हैं अभी यहाँ पे? जो मेरे यहाँ 20 वर्कर हैं, 20 काम करते हैं मेरे यहाँ। आप लोग क्या जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया जो शुरू होनी चाहिए थी नियमता, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्या वजह है उसकी? अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ गड्ढा की सुविधा नहीं है, जैविक खाद बनाने के लिए गड्ढा नहीं है, इसलिए हम जो भी गीला कचरा है उसको बाहर फेंक दे रहे हैं। आप लोग चाहते हो कि जैविक खाद की बनने की भी सुविधा हो ताकि आप लोगों को और सोर्स ऑफ इनकम हो? जी हम चाहते हैं कि जैविक खाद बनाने की हमको भी सुविधा दी जाए। तो इसके बारे में आप लोगों की कोई उच्च अधिकारियों से, नगर निगम में किसी से या वार्ड पार्षद से किसी से कोई बातचीत हुई कि आप लोग इस सुविधा की मांग किए हैं अभी तक ही नहीं? जी किए हैं। क्या कहना है? कर देंगे बोलते हैं लेकिन अभी तक से नहीं हुआ है। 8 SRM सेंटर फंक्शन में है और 1 का काम ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हुआ है, जल्दी शुरू हो जाएगा और 1 अभी हमारा निर्माणाधीन है। 1 इसके अलावा अलग से हम लोगों ने कंपोस्ट शेड भी बनाया हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर में। जो SRM सेंटर है वहाँ पे हम लोगों ने अलग से कुछ पीट्स बनवाए हैं जिसमें गीले कचड़े को डालकर उसकी कंपोस्टिंग करने की हमारी योजना है। कुछ सेंटर हमारे ऐसे हैं जहाँ पर यह काम बेहतर तरीके से हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है, पंजरी प्लांट है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास का जो SLRM है वहाँ पे,
कुछ जो हमारे बाद में फंक्शन में आए हैं स्लम सेंटर, वहाँ पे अभी इस काम को प्राथमिक तौर पे यहाँ पे शुरू किया गया है। जल्दी ही उसको अच्छे तरीके से हम उसको वहाँ पे कंपोस्टिंग का काम शुरू करेंगे। जो हमारा कंपोस्ट सेट तैयार हुआ है वहाँ पे भी कंपोस्टिंग का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमारी योजना ये है कि जो हमारे 8 एसएलआरएम सेंटर हैं जहाँ पर बिल्कुल सघन आबादी नहीं है, ऐसी जगहों पे एसएलआरएम सेंटर में भी कंपोस्टिंग करेंगे, और जो सघन आबादी क्षेत्र में एसएलआरएम सेंटर हैं वहाँ के गीले कचड़े को हम कंपोस्ट सेट में ले जाके वहाँ पर उसका डिस्पोजल करेंगे। एसएलआरएम सेंटर में जैविक खाद बनाने के लिए सिस्टम तो तैयार कर दिया गया है, परंतु कंपोस्टिंग की प्रक्रिया 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। इस विषय में सुपरवाइजर ने बताया कि कई बार इस बारे में निगम के उच्च अधिकारियों से कहा गया है। कंपोस्टिंग होने के बाद सेंटर की महिलाओं की आमदनी में इजाफा होगा और उनके कार्य करने की रुचि भी बढ़ेगी। रायगढ़ से INN 24 के लिए कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में मलांगीर एरिया कमेटी के नक्सली लीडर श्याम उर्फ चैतू के गनमैन चैनू उर्फ चूला की गिरफ्तारी हुई है। 3 लाख रुपए का इनामी चैनू को अरनपुर थाना इलाके के रेवाली जंगल से पकड़ा गया। कई अपराधों का आरोपी चैनू नक्सलियों के मलांगीर प्रेस यूनिट का कमांडर भी था। पुलिस के जवान मुखबिर के सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा खोजबीन किया गया, जहां नक्सली पुलिस दल को देखते ही जंगल में छुप गए। सुरक्षा बल द्वारा जंगल को घेर कर चैतू को पकड़ा गया। पूछताछ में इससे और नक्सली संबंधित जानकारी मिलने की उम्मीद है। जगदलपुर शहर के पुराने पुल के पास एक इमली पेड़ में 22 वर्षीय युवक का शव लटका हुआ मिला है। शव देखे जाने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं परिजनों ने इसे आत्महत्या ना बताते हुए हत्या बताया है। साथ ही पुलिस से इस मामले की जांच करने की बात कही गई है। युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। मृत युवक अपने घर में सबसे छोटा था, जिसमें 2 बहन और मृतक था। परिजनों ने बताया कि कल सुबह काम में जाने की बात कहकर वह घर से निकला था, उसके बाद रात भर घर नहीं लौटा। सुबह कुछ लोगों ने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का कहना था कि युवक आज तक कभी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा है, तो वह रस्सी कैसे बांध लेगा। इसे हत्या के बाद ही पेड़ में टांगा गया है। वहीं सुसाइड नोट को भी लेकर परिजनों का कहना है कि यह राइटिंग मृतक की नहीं है, इसे किसी और ने लिखा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। INN 24 के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। निर्धारित मानकों के अनुरूप चावल जमा नहीं करने वाले 16 राइस मिलरों के 5,130 क्विंटल चावल को नॉन के जिला प्रबंधक ने रिजेक्ट कर दिया है। गुणवत्ता निरीक्षक की जांच के बाद यह पूरी कार्रवाई सामने आई है। अब मिलरस को रिजेक्ट किए गए चावल के अनुपात में दूसरा चावल जमा करना होगा। इस कार्रवाई की जद में आने वाले राइस मिल में कटघोरा इलाके के 4, उर्गा के 4, पाली के 4 और कोरबा के 1 मिल शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि राज्य भंडार गृह निगम के तरफ से चावल का भंडारण किया जा रहा है। जिले के खरमोरा, उर्गा, पाली और कटघोरा के गोदामों में कस्टम मिलिंग के चावल के भंडारण के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रबंधक AK पांडे की माने तो मापदंड के अनुरूप होने पर ही चावल स्वीकार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार देर शाम प्रदेश में CBI की एंट्री पर एक तरह से रोक लगा दी है। इसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। पहले पूर्व CM रमन सिंह ने मामले को लेकर CM भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार CBI से डर रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। उन्होंने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि अब सपने में भी CM भूपेश को CBI दिख रही है। अब इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में CBI को केस लेने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। पहले CBI फ्री हैंड काम करती थी, लेकिन अब प्रकरण दर्ज होने के बाद राज्य सरकार से अनुमति के बाद ही प्रदेश में काम करेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद CBI अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। गौरतलब है कि आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद CBI की विश्वसनीयता में भारी कमी आई है।
कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ की पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। इस मामले में मरने वाली महिला के पति को हिरासत में ले लिया गया है। पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को पेट्रोल से जला दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद आरोपी पति वासुदेव ने हत्या का कारण चरित्र शंका बताया है। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी को स्कूटी में बैठाकर घुमाने के बहाने ले गया और झोपड़ी में ले जाकर गले में चाकू से वार कर हत्या कर दिया। उसके बाद पेट्रोल डालकर लाश को जला दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटना स्थल से चला गया। पुलिस ने महिला के जले हुए कपड़े को उसके परिजनों को दिखाया, जिससे पता चला कि मृतिका मनेंद्रगढ़ की रहने वाली है। और राखी विश्वकर्मा के नाम से पहचान की गई, जिसके बाद उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता पाई। घटना दिनांक 9/1/2019 के शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच की है। ग्राम बौरीडाड़ के एक सुनसान मकान में किसी अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने की सूचना पर थाना मनेंद्रगढ़ में मर कायम कर जांच भी लिया गया था। जांच के दौरान घटनास्थल पर खून लगा चाकू, मृतिका का पीएम करने वाले डॉक्टर के द्वारा मृत्यु का कारण होमिसाइडल लेख होने पर अपराध क्रमांक 10/19 धारा 302-201 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात महिला का पहचान राखी विश्वकर्मा पति वासुदेव विश्वकर्मा के रूप में हुआ। संदेह के आधार पर उसके पति वासुदेव से पूछताछ के दौरान उसने अपराध करना कबूल किया है। अपराध के दौरान उसकी प्रयुक्त स्कूटी, जैकेट और उसके निशानदेही पर मृतिका का मोबाइल का कवर और सिम की बरामदगी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कैसे पहुंचे आप, चूंकि महिला पूरी तरह से जल गई थी? आरोपी की पहचान पहले मृतिका की पहचान उसके द्वारा जले जो शॉल पड़े थे उससे उसके घर वालों ने किया, और संदेह के आधार पर जब पूछताछ उसके पति से किया जा रहा था तो उसने बार बार बातों को घुमा रहा था या फिर झूठ बोल रहा था उसे आधार पर हम लोग को। यह पूरा मामला बीते 9 जनवरी की रात लगभग 8 बजे की है। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में आग की लपटें उठते हुए देखी थी। आग की लपटों के साथ मानव शरीर की दुर्गंध आने पर ग्रामीण झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि एक शव जल रहा है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस घटना की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई। रात होने की वजह से शव की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को वहां लगाया गया। गुरुवार की सुबह पुलिस अधीक्षक कोरिया विवेक शुक्ला भी घटनास्थल पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। महिला का शव बुरी तरह से जल गया था, जिससे उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पुलिस के लिए महिला की शिनाख्त करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर वासुदेव विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूला और पुलिस को हत्या की वजह भी बताई। कोरिया से INN24 के लिए राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरिया जिले के चैनपुर में धान खरीदी केंद्र में कलेक्टर कोरिया नरेंद्र दुग्गा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 73 बोरी धान मिलावटी पाए जाने पर उसे रिजेक्ट कर दिया। दरअसल कोरिया कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा के द्वारा जिले के मनेंद्रगढ़ से सटे ग्राम चैनपुर के धान खरीदी केंद्र में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कलेक्टर कोरिया के द्वारा धान खरीदी प्रक्रिया के अनुसार धान की गुणवत्ता तथा बिचौलियों के द्वारा धान की खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति की जाँच पड़ताल की गई। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में आए धान की गुणवत्ता में कमी के कारण धान को रिजेक्ट कर वापस किया जा रहा है। आज तो हालांकि खरीदे का दिन नहीं है, परंतु हम लोग आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि धान खरीदी जो प्रक्रिया के अनुसार हो रही है या नहीं, और धान क्वालिटी का आ रहा है या नहीं। साथ ही ये भी अभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी शर्त में बिचौली या अन्य का धान उपार्जन केंद्र में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग सघन निरीक्षण कर रहे हैं। जिला की अलग अलग टीम बनी हुई, हर सोसाइटी के लिए भी टीम बना हुआ है, वो भी इंस्पेक्शन कर रहा है। तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी ये जो धान आया है वो टोकन कटा है, लेकिन सेम डेट उसका तोड़ होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो उसको फिर वापस करके वो ठीक करके जाएगा। सर, इसमें सभी बढ़िया पाया गया है, और ये जो धान रखा हुआ है
ये लेट किया लाने के कारण और बदरा होने के कारण इसको रिजेक्ट किया गया। किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? समिति प्रबंधक मेरे द्वारा किया गया। अच्छा, ये सर अभी धान देख रहे थे कलेक्टर साहब, तो ये बताया इसमें मिक्स धान है, इस विषय पे क्या कहेंगे? जी सर, वही बदरा है इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया सर। आपको बता दें कि जैसे जैसे धान खरीदी की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, प्रदेश भर के अलग अलग उपार्जन केंद्रों में गड़बड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए अब जिले के बड़े अफसरों ने खुद ही कमान संभाल ली है। INN 24 के लिए कोरिया से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश के साथ ही जिले भर में इन दिनों किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। कर्ज माफी और बोनस में हुई बढ़ोतरी से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बात करें जिले के सबसे बड़े तहसील कटघोरा के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति की, तो यहां अब तक 12,746 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। मिलरों ने अब तक 10,240 क्विंटल धान का उठाव कर लिया है। यहां का स्टॉक 2506 क्विंटल है। खरीदी केंद्र के प्रभारी विनोद भट्ट ने बताया कि अब तक 268 किसान से धान की खरीदी की जा चुकी है। लगातार उठाव होने से इस साल धान खरीदी में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। किसानों को धान की राशि का भुगतान सीधे खाते में किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ट्रेन यात्रियों को नई सौगात देने जा रहा है। दरअसल रेल मंत्रालय अपने यात्रियों को फ्लाइट की तरह टिकट बुकिंग सुविधा देने की तैयारी में काम कर रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रेल यात्री हवाई जहाज की तरह सीट की बुकिंग के बारे में जान सकेंगे, यानी अब रेलवे में एयरलाइन की तर्ज पर टिकट बुक होंगे। इस योजना के अमल में आने के बाद रेल यात्री अपनी मर्जी से सीट और कोच बुक कर सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों से सेंटर ऑफ रेल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने को कहा है। उन्होंने हवाई टिकट बुक करने के मैकेनिज्म की तर्ज पर ही रेलवे टिकट बुक करने का सिस्टम तैयार करने का आदेश दिया है। अभी हवाई जहाज का टिकट बुक करते समय सीट चुनने के लिए यात्रियों को सुविधा मिलती है। यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी सीट बुक कर लेता है। हालांकि ट्रेन की सीट बुक करते समय ऐसा नहीं है। रेल यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी सीट नहीं चुन सकता है। बीजापुर नक्सल क्षेत्र होने की वजह से निर्माण कार्य में ठेकेदारों को गुणवत्ता में थोड़ी रियायत दी जाती है, लेकिन अधिकारियों से संरक्षण मिले ठेकेदार जिला मुख्यालय में गुणवत्ता की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला हल्बपारा पदेड़ा स्कूल में बन रहे निर्माण कार्य को जाकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर निरीक्षण करने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। दरअसल इस विस्थापित स्कूल भवन के सामने एक किचन शेड का निर्माण किया जा रहा है, जहां ठेकेदार रेड्डी द्वारा मापदंड को दरकिनार करते हुए मन मुताबिक कॉलम और बिना बेस के शेड निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। साथ ही साथ दीवारों में प्लास्टर के 2 घंटे बाद ही रंगाई पुताई भी ठेकेदार द्वारा करा दी गई है। इस निर्माण कार्य को लेकर पार्षद पुरुषोत्तम सल्लूर और स्कूल के हेडमास्टर तुलाराम सारवा ने गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बिना क्यूरिंग और बेस के शेड कब तक टिक पाएगा, इसकी गारंटी जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर और साहब की गोद में बैठे ठेकेदार ही दे सकते हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम सलूर है, मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। भैया, लेकर शेड को लेकर क्या कुछ आपत्ति है? गुणवत्ताहीन बन रहा है क्या है? शेड को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति है। मैंने इस शेड का काम जैसे ही शुरू किया, मैं उसी समय जब इसका शेड खड़ा करने के लिए जो गड्ढे की खुदाई हो रही थी, उसी समय मैंने छोटा छोटा गड्ढा खोद रहे थे, मतलब 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का गड्ढा खोद रहे थे, तो दो फीट गहरा था। मैंने उसी समय ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करके इस काम के बारे में संबंधित अधिकारी को मैंने सूचना दिया। सूचना देने के बावजूद अधिकारी ने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन उस संबंधित ठेकेदार ने मुझसे फोन करके इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए थी, आपने अधिकारी को क्यों दिया करके ये ठेकेदार के द्वारा बोला गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार की जुड़ाई हुई है, इसके नीचे थोड़ा सा मतलब 10 सेंटीमीटर का खुदाई करके बिना बेस किए इस दीवार को खड़े किया गया है, और 1-2 दिन पहले इसका प्लास्टर कंप्लीट हुआ है। प्लास्टर कंप्लीट होते ही इसको चूना मार दिया गया है। चूना मारने की वजह से ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। यदि चूना नहीं मार के 2 दिन अगर क्यूरिंग करते तो ये शायद कुछ मजबूत हो पाता। तो आपका सवाल है कि ये गुणवत्ताहीन जो काम है यहाँ पे किया गया, ये जो शेड का काम है पूरी तरह से गुणवत्ताहीन काम है। इस संबंध में मैंने अधिकारी को चर्चा किया है, और इसी
शेड के संबंध में मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा करूंगा। आपको क्या लग रहा है विभागीय अधिकारी जो है वो ठेकेदार को पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं? सारे शेड जहां जहां बन रहे हैं मैंने लगभग शेडों को देख लिया है, ये सीधा सीधा ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारी ने उस ठेकेदार को काम दिया है। अच्छा, आप वार्ड के पार्षद हैं, क्या इस काम को शुरुआत करने से पहले आपको पूछा गया? क्योंकि स्कूल के सामने शेड बना गया है, कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें दिक्कत होगी। मेरे घर के सामने ही ये स्कूल है, यहाँ पर काम शुरू की गई है। मैं इस वार्ड का पार्षद होने के नाते भी मुझसे ना पूछा गया ना बोला गया। जानकारी के मुताबिक जिले में 20 से ज्यादा किचन शेड का निर्माण कार्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जिले भर के सभी शेड निर्माण का कार्य पूर्ववत प्रमोद ठाकुर के चहेते ठेकेदार रेड्डी के द्वारा ही कराया जा रहा है। मुख्यालय में बन रही शेड की हालत को जिले में शेड निर्माण कार्य का पैमाना माना जाए तो स्पष्ट है कि ये स्कूली बच्चों की सेहत से ज्यादा अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार की लालच की बलि चढ़ती दिख रही है। अपने वातानुकूलित कमरे से 1 किलोमीटर दूर जाने और निरीक्षण करने में शिक्षा अधिकारी कोताही बरत रहे हैं। ऐसे में जिले के 3 अन्य विकास खंड में जहां हर विकास खंड 50 किलोमीटर दूर है, क्या निरीक्षण को जाते होंगे? बड़ा सवाल है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी 100-बेड हॉस्पिटल में 2 दिनों पहले हुई चोरी ने अस्पताल की सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। यह पहला मौका नहीं है जब कोई मरीज या उनके परिजन चोरी जैसी वारदात का शिकार हुए हों। बिना जांच के अस्पतालों में घूमते संदिग्ध लोगों ने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। जिला अस्पताल के प्रसव कक्ष और डॉक्टर्स रूम में हुई चोरी की शिकायत भले ही अब तक चौकी में दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इस तरह के घटनाओं से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही खुलकर सामने आई है। इस बार की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। चोरी की इन घटनाओं से मरीज के परिजनों के सामने अब दोहरी चुनौती के हालात बन गए हैं। वह अपने साथ लाए मरीज की देखभाल करे या फिर अपने सामान की। हालांकि यह पहली दफा नहीं है कि अस्पताल में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई हो। बावजूद पिछली घटनाओं से ना ही स्थानीय पुलिस ने किसी तरह का सबक लिया और ना ही अस्पताल प्रबंधन ने। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच यह बेहद चिंता की बात है कि इतने भीड़भाड़ वाले अस्पताल में चोर आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। बिना जांच पड़ताल के लोगों की अस्पताल के भीतर आम दरफ्त ही इस पूरे मामले की बड़ी वजह बताई जा रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में इन दिनों स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं जारी हैं। बात करें कोरबा में तो यहां भी शुक्रवार को राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। इस चैंपियनशिप में अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों और उनकी टीम ने हिस्सा लिया। बालकोनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में हुए इस कबड्डी को देखने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और आम लोग पहुंचे हुए थे। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर कोरबा नगर निगम की महापौर रेणु अग्रवाल शामिल हुई। वहीं इनके अलावा गिरीश शर्मा, विकास डालमिया और दीपक कुमार ने भी स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान महापौर खिलाड़ी बच्चों से बात करते हुए भी नजर आईं। पहले मैं छत्तीसगढ़ से नंबर हुआ था। लास्ट में खेल में आप उसमें तो बहुत दो टीम बन गया, तीसरा है सीनियर स्टेट, सीनियर तीसरा स्टेट है। निश्चित रूप से आज सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और उसके बाद यदि हमारे देश में कोई लोकप्रिय खेल है तो वो कबड्डी है। कबड्डी छत्तीसगढ़ का एक तरह से बोलो तो शुरू से ही छत्तीसगढ़ का मुख्य खेल कबड्डी को ही माना जाता था। समय समय में इसमें परिवर्तन आया, जैसे कि मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे को कबड्डी खेलते वो देखते थे तो कहा करते थे कि उस टाइम बरौचा होता था, आज उसका सुधारा हुआ रूप कबड्डी है। तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के बच्चा बच्चा और बिना एक पैसा लगाए, जैसे गांव में भी आप जाकर के देखोगे हर गांव में आपको कबड्डी ग्राउंड मिलेगा, लेकिन हर गांव में क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड नहीं मिलेगा। गाँव का आप किसी भी आदमी से राह चलते पूछ लो कबड्डी खेले हो तो वो बोलू जरूर बोलेगा कि हाँ मैंने कभी न कभी कबड्डी खेला। इस तरह से कबड्डी छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय खेल है। रही बात क्रिकेट का तो उसमें बहुत पैसा लगता है,
बहुत समय लगता है और कबड्डी में उसके मुताबिक बहुत कम पैसों में अच्छा मनोरंजन होता है, इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का पूरी खेल होने के नाते, पैसा कम लगने के नाते और साथ ही साथ प्रदेश स्तर के बच्चों को अपना कला प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से वो सेंट्रल में नेशनल में खेलने जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने कबड्डी का आयोजन यहाँ पे रखा। और रखा नहीं, पिछले 2003 से लगातार बालको प्रबंधन के सहयोग से ये कबड्डी यहाँ पे होता आ रहा है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के आने के बाद डीएमएफ यानी जिला खनिज निधि कमेटियों को भंग किया गया है। अब इन कमेटियों की जांच की जा रही है। दरअसल डीएमएफ की राशि के उपयोग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस मामले में राज्य के खनन प्रभावित इलाकों में लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के बजाय आरोप लग रहे थे कि इस राशि से शहरों में भौतिक विकास किया जा रहा है। आरोप तो यह भी लग रहा था कि डीएमएफ की राशि का उपयोग मनमानी ढंग से कर रहे थे। पिछले साल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रायपुर में एक कार्यशाला की थी, जिसमें राज्य के खनन प्रभावित इलाकों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। इस कार्यशाला में यह तथ्य आया था कि डीएमएफ से प्रभावित इलाकों को तो कोई खास मदद नहीं मिली, पुल, सड़क, भवन आदि का विकास किया गया, इससे डीएमएफ ट्रस्ट के निर्माण की मूल अवधारणा को कोई फायदा नहीं पहुंचा। अब नई सरकार ने सभी जिलों की डीएमएफ कमेटियों को भंग कर दिया है। मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी ने कहा कि शिकायतों की जांच कराई जा रही है, गड़बड़ियां उजागर हुई तो सरकार कार्रवाई भी करेगी। वहीं कोरबा में भी 100 से ज्यादा भूमि पूजन हुए कामों पर रोक लगा दी गई है। इन सभी कामों की लागत करीब 7 करोड़ आंकी गई है। कोरबा कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया है। जिले के लोगों को पूरे दिन मिलने वाली यात्री ट्रेन की सुविधा बंद कर दी गई है। अगर किसी जरूरी काम से बिलासपुर या रायपुर भी जाना है तो सड़क मार्ग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। सुबह से लेकर देर रात तक अप व डाउन दिशा की ओर चलने वाली 16 में से मात्र 2 ट्रेन की सवारी करने में मिल रही है। ट्रेनों के रद्द होने से यह पूरी समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। शादी और त्योहारों के सीजन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग कोरबा से अपने घर जाने को बेताब हैं। लेकिन उनकी इस मंशा पर मानो रेलवे ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। वहीं रेलवे किसी भी यात्री की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे सहयोगी ने बात की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। मैं कोरबा स्टेशन आया था कि मुझे डोंगरगढ़ जाना था, तो यहाँ आके पता चला कि 1:30 बजे जो मेरी ट्रेन थी वो रद्द है। अब मुझे ये अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ेगी, जिससे भारी असुविधा का वो हो रहा है। मैं यात्रा करने डोंगरगढ़ दर्शन करने के लिए जा रहा था, अब नहीं जा पाऊँगा। इसका पूरा दोष रेलवे कोरबा प्रबंधन को ही जाता है, जिन्होंने अचानक सूचना हमें तो मालूम नहीं था। ये यहाँ आने के बाद ही पता चला कि ये ट्रेन रद्द है। भैया ऐसा था कि मेरी सिस्टर की शादी अभी 28 जनवरी को नागपुर में होना है और 27 जनवरी को यहाँ से हम लोग कम से कम 25 आदमी का टिकट यहाँ से हमने बुक कराया था शिवनाथ एक्सप्रेस में। और अभी ऐसा समस्या आ गया है कि यहाँ 22 जनवरी से बंद कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप बिलासपुर से ट्रेन पकड़िए। अब 25-30 आदमी प्लस सामान प्लस घर के सारे सामान, और यहाँ से मैं बिलासपुर अगर जा रहा हूँ तो मुझे एक बस करनी पड़ जा रही है, जिसमें मुझे 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है सर। तो ये भरपाई नहीं समझ रही है यहाँ की जनता के भी, मेरे अलावा और भी लोग इस तरह के त्रस्त होंगे, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो कोरबा के लोगों को असुविधा हो रही है वो असुविधा भी दूर हो। यह पूरी समस्या सिर्फ पैसेंजर्स की ही नहीं है, बल्कि जिन घरों का पेट इन ट्रेनों की वजह से पलता है, ऐसे लोग भी चिंता में डूबे हुए हैं। बात करें ऑटो चालकों की तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रेलवे के इस फरमान से वह कैसे अपनी कमाई करेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। सवारी न मिलने से पहले ही उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब रेलवे के इस नए फरमान ने तो मानो उनकी कमर ही तोड़ कर रख दी है। भैया हम लोग तो अभी से सोचने मजबूर हो गए हैं कि हम 10-12 दिन जो एक महीना जो बंद रहेगा उस पर हम क्या करेंगे, अपने घर पर कैसे चलाएंगे। हमारा तो यही रोजी रोटी है, सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक करके हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं, तब जाके हमारा परिवार पलता है, हर जरूरत इसी से पूरा होता है। और हम लोग तो ये समस्या में भिड़ गए हैं कि एक महीना करेंगे तो करेंगे क्या। आज मार्केट में इतनी गाड़ियाँ चल रही तो हम लोग कहाँ जाएँ। 100-150 ऑटो जो डेली चलान करते हैं, सबके पीछे किससे जिम्मेदार मानते हैं? भैया रेलवे जिम्मेदार है भाई, हम लोग को देख ही नहीं रहे।
आज एक ट्रेन के पीछे हजारों परिवार पलता है, आज हर ट्रेन को बंद, अभी भी कई ट्रेन रद्द है, नहीं आ रही है। अब देखो दो ट्रेन सुबह आया है जिसमें एक ट्रेन मिला है सवारी, एक ट्रेन खड़ा करके जा रहे हैं गाड़ी शाम के लिए। दरअसल रेलवे के एक फरमान के मुताबिक 7 जनवरी से 2 फरवरी तक चांपा में चल रहे काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से कोरबा रेलवे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोरबा के लोगों को अब सफर करने के लिए सड़क मार्ग का ही एक विकल्प मौजूद है, लिहाजा खराब सड़कों की वजह से वह भी बसों में सफर को तैयार नहीं है। चांपा सारागांव के बीच मरम्मत और चांपा स्टेशन के आधुनिकीकरण की वजह बताकर आने वाले 20 तारीख से बंद की जा रही ट्रेनों को लेकर कोरबा के युवा रेल विकास समिति के लोगों ने क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जिन ट्रेनों को रद्द करने की जरूरत नहीं है उन्हें बिना बंद किए उनका संचालन किया जाए। रेलवे के इस फरमान पर युवा रेल विकास समिति ने नाराजगी जाहिर की है। उनका साफ कहना है कि 40 मालगाड़ियों में से महज 8 को रोका जा रहा है जबकि सवारियां गाड़ियां ठीक है जबकि सवारी गाड़ियां भी इनके साथ रोक दी जाएगी। यहाँ पे रेलवे प्रबंधन के पास आए हैं, जो 22 तारीख से जो ट्रेन बंद हो रही है, रद्द हो रही है, उस संबंध में बात करने आए थे। ये जो चांपा सारा गांव का काम चल रहा है इंटरलॉकिंग का, लेकिन ये लोग बंद यहाँ कोरबा की ट्रेन कर रहे हैं, कोरबा की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। राखर धूल सब चीज़ें हम लोग खाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम से हम लोग किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्षेत्रीय रेल प्रबंधक को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कितनी ट्रेन बंद की गई है अभी? तो ट्रेनें बंद हो चुकी है 7 तारीख से। अभी 7 तारीख से कुछ ट्रेन बंद हुई है, बस ये लोग का कहना कि सारी ट्रेन बंद करेंगे, केवल 2 ही ट्रेन चलेगी 22 तारीख से। इस समिति के सदस्यों ने रेलवे पर कोरबा की अपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रेलवे यहां की चालू सुविधाओं को बंद करने का मौका तलाशते रहती है, जबकि उनके इस फैसले का सीधा असर कोरबा के लोगों पर पड़ता है। जो रेलवे द्वारा हमेशा जो कोरबा के साथ छलावा किया जाता है, कुछ भी बात हो कहीं भी बात हो, भुगतना कोरबा वासियों को पड़ता है। ये अभी से नहीं पुरानी समस्या रही है, ठीक है। फिर अभी को चापा रूट में रायगढ़ रूट में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है जिसमें कोरबा की ट्रेनों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया है। अगले एक महीने के लिए ट्रेनों पे पूरा इफेक्ट है ना। आने वाले समय में रेलवे का एग्जाम भी है रायपुर में, बच्चों को रायपुर जाना है, नागपुर जाना है, ये सब कुछ इसमें प्रभावित होगा। मालगाड़ी नहीं के बराबर लगभग बंद हुई है, लेकिन यात्री गाड़ियों को पूरा प्रभावित किया गया है। क्या चाहते हैं आप? उसी संबंध में हमने DRM के नाम से ARM को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जितनी बंद गाड़ियां वो चालू की जाए और जो ट्रेनें जो समय पे नहीं चल रही है उसको समय पे चलाया जाए। समिति के लोगों ने ARM को ज्ञापन सौंपते हुए इस नए फैसले के लागू रहने तक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। युवा रेल समिति का साफ कहना है कि रेल के इस नए फरमान से सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि दूसरे व्यवसायी ऑटो ड्राइवर और ठेले गुमटी वालों पर भी बुरा असर पड़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने जिले और शहरों की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए INN24 पर। INN24 आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। YouTube में लाइव टीवी देखने के लिए INN24 सीजन लाइव पर विजिट करें। नमस्कार। Please keep watching INN 24.